टिकट के बाद रविवार को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए दावेदारों ने कांग्रेस कार्यालय के बाद समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कई विधानसभा सीटों पर नाराजगी सामने आ रही है। कहीं प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है तो कहीं पे कुछ दावेदार हैं वो कह रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाए। ये रामपुर के पूर्व विधायक है और वहाँ से राठिया जी को टिकट दिया गया है, चूँकि ये पिछली बार उम्मीदवार थे, हारे थे, इसके बाद टिकट नहीं दिया गया है। आप यहाँ पर आए थे अभी अभी अपनी उम्मीदवारी को लेकर के क्लेम किया, आपने शैलजा जी से भी मुलाकात की, क्या कुछ कहा उन्होंने कुछ? शैलजा जी का कहना यही है कि इस पे जो है विचार किया जाएगा, आप अपनी व्यथा बता दिए, हम सुन लिए। अच्छा, तो ये संतोषजनक बातें जैसी नहीं लगी कि हम करेंगे? मैं संतोष ही जनक, आप क्या करोगे? संतोष दिलाने के लिए तो कहते हैं विचार करेंगे। तो अब आप क्या, आप संतुष्ट हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ? है, अब हम चाहते हैं कि ऊपर तक जो है इसको पहुँचाएंगे जी। क्या करेंगे आगे? अभी तो आकर के आपने कहा नाराजगी जताई कार्यकर्ताओं के साथ के लिए, अभी जो है सीएम साहब से ही भेंट करेंगे, सीएम साहब के उपाध में भेंट करेंगे, व्यक्त करेंगे। चलिए, आप लोग आए हैं, कुछ बातचीत लगी, क्या लगा आपको? हमारे पूरे विधायक जी अंदर गए थे, हम लोग तो बाहर ही में रहे, अब अनुमति नहीं मिली अंदर जाने के लिए। अच्छा। लेकिन बोले हैं विचार करेंगे, विचार करेंगे, तो समय तो नहीं है हमारे पास कि हम विचार का रास्ता देखेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर वही कैंडिडेट रह गया, आप लोग उनके लिए काम कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, एकदम सोच लिया, सोच लिए हैं। आप भी कहीं से आए हुए हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम गोरेलाल बर्मन है, पामगढ़ विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हूँ। पिछला विधानसभा चुनाव में मात्र 3,000 वोट से हारा था। अगर मुझे कांग्रेस में रखना होगा, गोरेलाल बर्मन को कांग्रेस में रखना होगा तो मुझे अवसर मिलेगी, अगर नहीं मिला तो मेरे कार्यकर्ता जो बोलेंगे वो गोरेलाल बर्मन करेंगे। विकल्प है दूसरी पार्टी में कोई बुलावा कर रहा है? नहीं, दूसरी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे। कार्यकर्ता जो बोलेंगे, कार्यकर्ता अगर बोलेंगे कि आप लड़िए तो मैं जरूर लड़ूंगा। निकलिए, लड़ देंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। चलिए, तो ये गोरेलाल बर्मन जी हैं और कह रहे हैं कि पिछली बार बहुत कम वोट से हारे थे, उसके बावजूद इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दी। और ऐसे ही आपको बहुत सारे, ये जो पीछे देख रहे हैं आपको, कई जगहों से ऐसे ही कार्यकर्ता, ऐसे ही नेता राजीव भवन में दिखाई देंगे, आएंगे, क्योंकि प्रदेश कार्यालय है। कुमारी शैलजा अंदर थी और सबसे मुलाकात भी की है, सबको आश्वासन भी दिया है कि पार्टी आलाकमान तक बात पहुँचाएंगे, जो फैसला होगा पार्टी आलाकमान करेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश राज, IBC 24 रैप।